नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सुशील और मैं आप सभी के सामने एक और सेशन लेके हाजिर हूँ। दोस्तों, इस सेशन में हम 2017 मेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को डिस्कस कर रहे हैं। सीजीएल 2017 मेंस के पहले टीम के बारे में बता देता हूँ। नेहा मलिक मैम है इंग्लिश के लिए, पिंकी मैम है वोकैब के लिए और नीतू मैम है जनरल स्टडीज़ के लिए। ठीक है, ये हमारी बाकी की टीम है। बदूनी सर है मैथमेटिक्स के, पवन राव सर हैं मैथमेटिक्स के, काशिफ सर हैं जनरल स्टडीज़ के, सरफराज सर हैं रीजनिंग के, अभिषेक सर पाएंगे आप यहाँ पर, मोहित सर हैं, मुझे भी पाएंगे आप यहाँ पर, संदीप रावत सर हैं। ये सभी के सभी फैकल्टीज़ आपको अनअकैडमी प्लस पर बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इस सेशन का हमारा मकसद है हाउ टू स्कोर परफेक्ट 30 इन RRB NTPC एंड ऑल्सो इन SSC एग्जामिनेशन। ठीक है, हम SSC में और RRB NTPC में किस तरीके से परफेक्ट 30 स्कोर कर सकते हैं। ये मेरे बारे में दो तीन पॉइंट्स हैं दोस्तों जिनको आप देख सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक है, तो आप इसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम को डाउनलोड करके इस लिंक को उसके अंदर आप टाइप करेंगे तो आपको हमारा अनअकैडमी का ग्रुप मिल जाएगा। उस अनअकैडमी के ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसको ज्वाइन करने के बाद जितने भी आपके अपडेट्स होंगे वो सारे के सारे आपको मिलने लग जाएंगे। ठीक है, ये SSC क्रैक SSC एग्जाम्स विद इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, ये इसका सब्सक्रिप्शन का मॉडल है दोस्तों। ये आप किस किस तरीके से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आप जाइए गूगल पे सर्च करिए अनअकैडमी प्लस एंड सब्सक्रिप्शन, तो ये सारे के सारे सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएंगे। ये हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप है, आप इस लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद जितने भी एजुकेटर्स हैं आप सभी को एक्सेस कर पाएंगे। ये प्लान है, एक महीने का प्लान, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का प्लान है। ठीक है, आप कोई सा भी प्लान ले सकते हैं। जो 12 महीने का प्लान है वो हमारा 5400 रुपये का है, वो 6000 रुपये का है वैसे। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाएंगे राजपूत 10 तो आपको स्पेशल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वो 10% का डिस्काउंट लेने के बाद 6000 के ऊपर वो आपका कोर्स कितने का हो जाएगा, 5400 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। इसमें क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन वाज 65। इट वाज लेटर फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट हैड बीन रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 38। द करेक्ट एवरेजेस, देखिए एक स्टूडेंट के मार्क्स गलती से 83 लिख दिए थे लेकिन उसके मार्क्स होने कितने चाहिए थे, 38। ठीक है, तो आप ये देखिए कि कितने का डिफरेंस आ रहा है इसके अंदर। ये 33 एंड 12 कितने का डिफरेंस आ रहा है, 45 का डिफरेंस आ रहा है। ये 45 का डिफरेंस कितने बच्चों पे आएगा, 50 बच्चों पे आएगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 9 पे कट जाएगा, 0.9 का डिफरेंस आएगा आपका। और देखिए आपने ज़्यादा टाइप कर रखा था 83, अब आपको उसको कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा यानी एवरेज कम हो जाएगी आपकी, 0.9 से एवरेज आपकी कम हो जाएगी। 65 से जो एवरेज है वो 0.9 कम हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 64.1 हो जाएगी, 64.1 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं इसको, 64.1 हो जाएगी एवरेज आपकी। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स देयर आर 22 गर्ल्स हु स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 35 मार्क्स इन द टेस्ट। ठीक है, 50 बच्चे हैं जिसके अंदर की 22 गर्ल्स हैं जिनका एवरेज स्कोर है 35। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द बॉयज इफ द क्लास एवरेज स्कोर इज 42 मार्क्स। ठीक है, तो देखिए गर्ल्स के एवरेज नंबर कितने हैं, 35। बॉयज के एवरेज नंबर हमें पता नहीं है, ये तो निकालने हैं हमें। ठीक है, गर्ल्स नंबर ऑफ कितनी है, 22, तो बॉयज नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, 28। आप इसका रेशियो बनाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11:14, 2 से काटेंगे तो 11:14 आ जाएगा आपका। ठीक है, और यहां पर पूरी क्लास के एवरेज नंबर कितने हैं, 42, 42। ठीक है, तो एक प्रकार से अगर आप इस पर इस प्रकार से एलिगेशन लगाएं तो 42 में से 35 माइनस होगा कितना आएगा, 7। ठीक है, 14 की वैल्यू
यहाँ 14 की वैल्यू 7 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 बाय 14 यानी 1 बाय 2, 1 बटा 2। तो 11 की वैल्यू 1 बटा 2 के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 5.5। मतलब यहाँ x की जगह एक ऐसा नंबर लिखा जाना चाहिए जिसमें से आप 42 को माइनस करें तो 5.5 आए, तो कितना रखेंगे आप, 47.5 रखेंगे, 47.5। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 47.5। तो इस तरीके से आप एलिगेशन लगा के इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 41 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स इज 49, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, ये कह रहा है भाई लगातार 41 ओड नंबर्स की औसत है आपकी कितनी, 49, तो उसमें लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, करिए इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ओड नंबर एन, एन कितना है आपका, 41 है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 41 है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट तरीका है, देखिए 49 एवरेज है प्लस में 41 और माइनस कर दीजिए आप उसमें से एक, वन आप माइनस कर देंगे तो इससे क्या आ रहा है, 89। तो डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा 89। एवरेज कितना है भाई, 49 है, समझ रहे हैं आप, एवरेज है 49, ठीक है, और नंबर कितने हैं, 41। तो सब में एक नंबर, कोई भी एक नंबर होगा तो उसके बाद उसके अंदर दो 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 जुड़ता चलेगा, ठीक है, इस तरीके से, तभी तो वो ओड नंबर आएंगे आपके कंसेक्यूटिव्स, ठीक है। तो एवरेज कितना है, 49 एवरेज ले लेंगे, नंबर कितने हैं, 41, और उसमें से माइनस कर देंगे 1, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 89। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ए बैट्समैन स्कोर्स 87 रन्स इन 21st मैच ऑफ हिज करियर, हिज एवरेज रन्स पर मैच इंक्रीज बाय 2, व्हाट वाज हिज एवरेज बिफोर द 21st मैच। देखिए भाई उसने 21st मैच में कितने रन बनाए हैं, 87 रन बनाए हैं, ठीक है, और एवरेज कितने से इंक्रीज हो गई, 2 से, तो 21 इनिंग्स में 2 से इंक्रीज हो गई, यानी कितने नंबर इंक्रीज हो गए, 42। तो इस 87 में उसने 42 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि उसकी एवरेज जो थी वो पहले कितनी होती थी, 45 होती थी, क्योंकि बढ़ी तो बाद में है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, 45, ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 45 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ऑयल इक्वल टू 20% ऑफ द वेट ऑफ द ग्राउंड नट इज एक्सट्रैक्टेड इन अ मिल, ठीक है, द मैटर लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज सोल्ड एज अ कैटल फीड एट द रेट ऑफ
रुपीज 12.5 पर केजी, द ग्राउंड नट्स आर बॉट एट रुपीज 20 पर केजी, द प्रोसेसिंग कॉस्ट इज रुपीज 5 पर केजी, एट व्हाट प्राइस शुड द ऑयल बी sold to earn 20% profit on the total cost, and the total cost is equals to cost of groundnuts कितना है 20 and the processing cost. तो भाई देखो CP आपका कुल मिला के कितना है 25, 20 जमा में 5 कितना है 25 रुपए प्रति किलोग्राम, ये आपका CP है कुल मिला के, ठीक है. और आपको पूरे पे 20% का profit कमाना ही कमाना है, ठीक है. और पूरे में से 20% जो है वो ही ऑयल निकलता है, ठीक है, बाकी तो खराब हो जाता है, ठीक है. ऑयल इक्वल टू 20% ऑफ द वेट ऑफ द ग्राउंड नट इज एक्सट्रैक्टेड एंड द मैटर लेफ्ट, ठीक है, 20% ही निकलता है. आप एक काम करिए, इसको ना आप 25 है और आप मान लीजिए आप 5 किलोग्राम लेके आते हैं, 5 kg, यानी आप टोटल कितने रुपये का लेके आएंगे, 125 रुपये का लेके आएंगे. अब आप 5 kg लेके आते हैं और उसका 20% यानी 1/5 यानी 1 किलोग्राम तो तेल निकलता है ऑयल, तो बाकी का 4 किलोग्राम आपका मटेरियल निकल जाता होगा, जो वेस्ट मटेरियल है, बेकार मटेरियल जो है आपका वो निकल जाता होगा. लेकिन ये भी अच्छा, अब ये भी देख लीजिए, 125 रुपये अगर आपका सीपी है, सीपी अगर 125 है तो आपको एसपी मतलब कितना बनाना है, उस पर आपको 20% का प्रॉफिट कमाना ही कमाना है. तो 20% यानी 1/5, तो 125 का 1/5 करेंगे आप 25, यानी आपको कितने में वस्तु बेचनी है, 150 में बेचनी है, समझ पा रहे बात को, 150 में बेचनी है. और जबकि जो 4 किलोग्राम मटेरियल खराब निकलता है वो आप 12.5 रुपये के हिसाब से बेच लेंगे, उसमें से भी कमा लेंगे आप 12×48 50 रुपये कमा लेंगे, और कमाने हैं 150, यानी बाकी का जो 1 किलो बच गया आपका उसको किस हिसाब से आपको बेचना पड़ेगा, 100 रुपये के हिसाब से बेचना पड़ेगा. तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा, 100, क्योंकि टोटल आपको कितना बना के देना है, 150 आपको बना के देना ही देना है, ठीक है. चलिए अगला सवाल देखते हैं. अगले सवाल में क्या कह रहा है, इफ अ वेंडर सेल्स अ कोकोनट एट रुपीज 14.4 सेल, ही मेक्स अ 10% लॉस, इफ ही वॉन्ट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% देन एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल. देखिए अभी एसपी कितना है 14.4, तो उसको लॉस हो रहा है, कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है. 10% कितना होता है, 1/10, मतलब 10/1 का लॉस हो रहा है, तो वस्तु 9 में बिक रही होगी, ठीक है. लेकिन 9 में नहीं बिक रही है, वस्तु कितने बिक रही है, 14.4 में, तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कर लेंगे 1 और पॉइंट में 6, एक यूनिट की वैल्यू 1.6, तो 10 यूनिट की वैल्यू 1.6 के हिसाब से कितनी आ जाएगी, 16. तो वस्तु का जो सीपी आएगा वो 16 आ जाएगा. अब आपको 25% के प्रॉफिट पे बेचना है, प्रॉफिट चाहिए भाई 25% का, 25% कितना होता है 1/4, तो 16 का 1/4 कितना हो जाएगा, 4. तो एसपी जो आएगा वो आपका आएगा 16 जमा में 4, यानी कितना आएगा 20. तो आपको किस हिसाब से बेचना चाहिए, 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचना चाहिए आपको.
नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एट अ विलेज ट्रेड फेयर, एट अ विलेज ट्रेड फेयर मैन बाय अ हॉर्स एंड अ कैमल टुगेदर फॉर रुपीज 51,200, ठीक है, 51,200 रुपये में उसने ये दोनों चीज़ें खरीदी हैं, ठीक है, एक घोड़ा भी खरीदा है और एक ऊँट भी खरीदा है 51,250 रुपये में. ही सोल्ड द हॉर्स एट द प्रॉफिट ऑफ 25% एंड द कैमल एट द लॉस ऑफ 20%, एंड इफ ही सोल्ड बोथ द एनिमल्स एट द सेम प्राइस देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल वॉज. देखिए, उसने हॉर्स को बेचा है और कैमल को बेचा है, ठीक है, एक को उसने 25% के प्रॉफिट पे बेचा है, हॉर्स को 25% का लाभ, 1/4 के लाभ पे बेचा है, यानी अगर 4 रुपये सीपी है तो 1 के प्रॉफिट पे उसने कितने बेचा है, 5 पे बेचा है, और इसको 1/20% के लॉस पे बेचा है, 1/5 का लॉस, यानी 5 रुपये अगर सीपी है तो 1 के लॉस के साथ उसने 4 में बेचा है, लेकिन ये दोनों एसपी बराबर हैं तो 5 को 4 से गुणा कर लीजिए, 4 को 5 से गुणा कर लीजिए, ठीक है, यहाँ 4 से कर लेंगे 4, यहाँ 5 से कर लेंगे -5, यहाँ 4 से कर लेंगे 16, यहाँ 5 से कर लेंगे 25, ठीक है, 16 और 25 टोटल कितना आ गया 41, और द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर एनिमल वॉज, ठीक है. अच्छा, आप इसने टोटल में टोटल बताया था ना आपको, 51,250 में बेचा खरीदा था, 41 की वैल्यू होगी 51,250, एक यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, इसके अपॉन में रख के देखिए, 1 पे जाएगा 10, फिर 2 पे जाएगा 82, 20, 205 पे जाएगा, तो ये 5 पे चला जाएगा, 1250 आएगा एक यूनिट की वैल्यू, तो 16 यूनिट की वैल्यू जो होगी वो आंसर होगी आपकी 1250 के हिसाब से. देखो 16 0 0 16 5 80 0 8 16 2 32 32 और 8 40 0 4 16 कितना आ जाएगा 20,000. तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा आपका 20,000 आ जाएगा, 20,000 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है भाई. तो आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत थी नहीं इसमें किसी प्रकार की ज्यादा खास आपको. नेक्स्ट में क्या कह रहा है, ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150%, 150% का प्रॉफिट है एक सर्टेन आइटम पे, इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 25% व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है. मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु है तो उस पर 150% का प्रॉफिट है, यानी कितना हो जाएगी वस्तु, कितने बिकेगी, 250 रुपये में बिकेगी, लेकिन अब अगर वस्तु 100 से 25% ज़्यादा कर दें अगर उसका प्राइस, यानी कितना हो जाएगा 125, तो अब कितने का प्रॉफिट होगा 125 का, कितने पर, 125 पर ही होगा, सीपी 125 है, गुणा में 100, ये कितना आ जाएगा 100%, तो अब प्रॉफिट मार्जिन कितना परसेंट होगा, 100% होगा, 100% होगा, समझ पा रहे हैं बात को. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 40% आर द पासिंग मार्क्स, 40% पासिंग मार्क्स हैं, ए स्टूडेंट गेट्स 250 मार्क्स येट फेल्ड बाय 38 मार्क्स, ठीक है, 40% पासिंग मार्क्स हैं, एक स्टूडेंट के 250 नंबर आए थे, देखो 250 नंबर आए थे, फिर भी कितने नंबर से फेल हो गया, 38 नंबर से फेल हो गया, यानी भाई उसके 288 नंबर आने चाहिए थे, और टोटल का 40% जो है 40% वो कितने के बराबर है, 288 के बराबर है, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी, 4 से काटेंगे 7 2 10 उधर चला जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 720, 720, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 720, 720, ठीक है. ये अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्या कह रहा है, रवि इज 12 इयर्स यंगर देन सूर्या, ठीक है, जो रवि है वो सूर्या से 12 साल छोटा है, रवीज एज इज 40% ऑफ द सम ऑफ हिज एंड सूर्याज एज, ठीक है, व्हाट विल बी द सूर्याज एज 9 इयर्स हेंस, 9 वर्ष बाद, ठीक है. देखिए भाई, एक प्रकार से मान लो रवि एंड सूर्या, सूर्या की एज मान लीजिए आप एक्स है,
तो रवि की एज क्या हो जाएगी, एक्स माइनस 12, क्योंकि वो उससे 12 साल छोटा है ना, 12 साल छोटा है। और फिर उसके बाद वो ये कह रहा है रवि की जो एज है वो 40% है उनके सम का, दोनों का। तो रवि की एज तो एक्स माइनस 12 लिख रखी है हमने, ठीक है, और इसका सम करेंगे आप, एक्स माइनस 12 प्लस में एक्स और इसका 40%, इसके 40% के बराबर है। इसको सॉल्व करिए, एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है, ये पहले तो यहाँ पे काट लीजिए इसको, और 2x 8, एक्स बाय में 10 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस में 12 से 12 चौक 48 बटे में 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर लाइए, एक्स माइनस 8x बाय में 10 इज इक्वल्स टू माइनस 4.8 प्लस में 12, ठीक है, 10 ऊपर चला जाएगा, 2x अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 8.8, 8.8, ठीक है, नहीं 8.8 नहीं आएगा, 7.2 आएगा, सॉरी 12 में से 4 चला गया 8 और फिर 0.8 भी चला गया ना, तो 7.2 आएगा, ठीक है। अब 2 से ये कितने पे कट जाएगा, 5 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर चला जाएगा 5 तो 36 आ जाएगी, 36, क्योंकि 10 नीचे आ जाएगा, 5 से 10 2 पे कट जाएगा, 2 से 72 36 पे कट जाएगा, एक्स की वैल्यू 36 आ गई। तो सूर्या की उम्र हो गई 36 और इसकी उम्र हो गई 24। अब देखो क्या कह रहा है, सूर्या की उम्र 9 साल बाद कितनी होगी, तो 36 में आप 9 साल और जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 45। तो सूर्या की उम्र 9 साल बाद कितनी हो जाएगी, 45 साल हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। चलिए अगला सवाल उठाते हैं हम। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन बी परसेंट ऑफ 20 इज सेम एज, देखिए 1/20 ऑफ ए इज इक्वल टू बी, 5% को 1/20 लिख सकते हैं, तो ए बाय बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20/1, एक प्रकार से मतलब ए की वैल्यू 20 है तो बी की वैल्यू 1 है। अब यहां पे बोल रहा है बी परसेंट ऑफ 20, यानी एक प्रकार से 1% ऑफ 20, नीचे 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/5, यहां पे 1/5 लिखा जाना चाहिए, तो ऑप्शंस में से जो 1/5 बनाएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए 20% 1/5 इंटू ए बाय टू, ए की वैल्यू 20 यानी कितना आएगा 10, 20/2 10, यहां पे तो 2 आ रहा है भाई, ये नहीं बनाएगा, ये क्या आएगा 1/2 इंटू कितना 20/21, नहीं 1/2 बना रहा है, ये भी नहीं आएगा। 50% 50% कितना 1/2, इतना कितने का 10 का, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये आंसर होना चाहिए। देखिए 1/5 इंटू हाँ 20/20, तो ये 1/5 बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी दे रखा है आपको, 20% ऑफ ए बाय 20, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इमेंस एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय ₹5 लाख, बट द टैक्स ऑन द इनकम दैट ही हैज टू पे इज रिड्यूस फ्रॉम 12% टू 10%, ही नाउ पेज ₹10,000 मोर इनकम टैक्स, व्हाट इज हिज इंक्रीज्ड इनकम। अब देखिए मान लीजिए उसकी इनकम थी एक्स, तो कितनी हो गई अब, एक्स प्लस 5 लाख, और आंसर भी लाख में ही है, तो आप इसको एक्स प्लस 5 ही लिख लीजिए, ठीक है।
और उसके बाद कह रहा है लेकिन टैक्स पहले वाले पे कितना परसेंट लगता था, 12% लगता था, और अब वाले पे कितना परसेंट टैक्स लगने लग गया, 10% टैक्स लगने लग गया, लेकिन अब वो 10,000 रुपये ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, यानी एक्स प्लस 5 पे जो 10% टैक्स लगता है वो एक्स पे जो 12% टैक्स लगता है उससे कितने हजार रुपए ज्यादा है, 10,000 रुपए ज्यादा है, 10,000, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 1/10, तो ये आएगा एक्स बाय 10 प्लस में 1/2, या फिर 100 तो आप कॉमन ले जाके उधर माइनस कर सकते हैं ना, रुके, पॉइंट में बनाने की जरूरत क्या है भाई, 100 आप कॉमन लेके उधर चले गए 10,000, ठीक है 10,000, लेकिन ये सारा क्वेश्चन लाख में चल रहा है, चलिए हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आएगा आपका 10x प्लस में 50 माइनस 12x बराबर 1, 1, 2, 3, 4 और 5, 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, ठीक है। आप है ना इसको सॉल्व करिए, नहीं 10,000 को आप लाख में लिखते, 1/10 आना चाहिए ना, यहां पे 1/10 होना चाहिए था, ठीक है, 100 इधर आता तो 10 होना चाहिए था, ये सिर्फ 10 होना चाहिए, ठीक है। अब सॉल्व करिए इसको, ये आएगा -2x इज इक्वल टू 50, इधर आएगा -40, ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, लेकिन वो इंक्रीज इनकम पूछ रहा है, 5 लाख से बढ़ गई थी ना, तो 20 में 5 बढ़ेगा भी, कितना हो जाएगा 25, ठीक है 25 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए अगले सवाल में कह रहा है ए रेसिंग कार गोइंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर टेक्स 15 मिनट्स टू कंप्लीट अ लैप ऑन अ रेसिंग ट्रैक, बाय हाउ मच शुड इट इंक्रीज इट्स स्पीड टू कंप्लीट द लैप इन 12 मिनट्स। देखिए भाई 108 की स्पीड से, 180 लिख दिया, 108 की स्पीड से और 15 मिनट यानी 1/4 घंटे में, आप ये देख लीजिए डिस्टेंस कितना पूरा हुआ, ये 2 पे चला जाएगा और फिर 7 पे चला जाएगा, सत्ताईस, ठीक है 27 किलोमीटर। अब यही 27 किलोमीटर आपको 12 मिनट में कवर करने हैं, तो 12/60 कर देंगे टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम आएगा स्पीड के लिए, 5 और 27 पंजे, ठीक है ये आ जाएगा आपका कितना 135, 135, लेकिन पहले कितनी थी 108, तो इंक्रीज कितने से कर दी 27 से, तो वो ये पूछ रहा था आपको इंक्रीज कितने से करनी पड़ेगी, 27 से इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट्स मोर देन ट्रेन बी टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर, ड्यू टू इंजन ट्रबल स्पीड ऑफ ट्रेन बी फॉल्स बाय अ क्वार्टर सो दैट इट टेक्स 30 मिनट्स मोर देन ट्रेन ए टू कंप्लीट द सेम जर्नी, ठीक है। अब देखिए भाई डिस्टेंस कितनी है 450 किलोमीटर, ठीक है, और ट्रेन बी जो है, नहीं, ट्रेन
ट्रेन ए जो है वो 45 मिनट्स ज़्यादा लेती थी पहले ट्रेन बी के मुकाबले, लेकिन अब ट्रेन बी की स्पीड क्योंकि कम हो गई है तो इस वजह से अब वो 30 मिनट ज़्यादा लेने लग गई है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए उसकी स्पीड पहले थी 4x, तो अब कितनी हो जाएगी, x कम हो गई ना, पहले मान लीजिए 4x थी, बाय क्वार्टर है ना, 1/4 से कम हुई है इसलिए 4x मानी है, और 4x माइनस में x इंटू में डिफरेंस इन टाइम, पहले वो 45 मिनट कम लेती थी अब वो 30 मिनट ज़्यादा लेने लग गई, तो -45 मिनट एंड +30 मिनट, तो ये पूरा गैप आप इसको पूरा करेंगे 75 मिनट्स का आ जाएगा। ठीक है, यानी 75/60। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 3x, एक एक्स से एक एक्स खत्म हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, और 4 से 4 खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बचा है यहाँ पे, 3 3 उधर चला जाएगा, 450 × 3 बराबर में कितना, 5x। ठीक है, 5x, ये 5 ही बचा है ना यहाँ पे, देखिए। ठीक है, अब 5 से आप इसको कितने पे काट लेंगे, 90 पे, 270, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 270 आपकी। ठीक है, अगर x की वैल्यू 270 है तो उस समय पे उसकी स्पीड कितनी थी, 4x। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन ए, ट्रेन ए की स्पीड बतानी है, वो 45 मिनट ज्यादा लेती है। ठीक है, देखो 450 किलोमीटर, पहले उसकी स्पीड थी आपकी 270 × 4, 4x थी ना, ये कर देंगे आप, तो इससे टाइम निकाल लेंगे आप। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27, तो 5/12, 60 से गुणा करके टाइम देखेंगे तो 5 पे चला जाएगा, 5 बजे 25 मिनट लगते थे पहले उसको, 25 मिनट्स किसको लगते थे, बी को, तो ए उससे 45 मिनट ज़्यादा लेता था, तो 25 + 45 कितना आ जाएगा, ये 70 मिनट, 70 मिनट। तो जो ए है वो 70 मिनट लेता था 450 किलोमीटर तय करने में, 70/60 घंटे बनाने के लिए, तो 6 ऊपर चला जाएगा आपका। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट में कहीं पे गड़बड़ है क्या, मैं इसको दोबारा से देखता हूँ, रुकेगा। इतने हम अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू कार्स ए एंड बी ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर एट द स्पीड ऑफ 72 एंड 90 किलोमीटर पर आवर, इफ बी टेक 1 आवर लेसर देन द कार देन द डिस्टेंस। देखिए स्पीड कितनी है दोनों की, 72 और 90, 18 से काटेंगे, 18 × 72, 18 × 5 = 90, स्पीड का रेशियो है 4:5, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4, यानी जो ए और बी ये हैं आपके, तो यहाँ पे 1 घंटा कम लगता है, इस 1 घंटे की वैल्यू 1 ही घंटा है, तो यानी 5 की वैल्यू 5 ही आ जाएगी आपकी, 5, तो 72 की गति से उसको 5 घंटे लगते हैं, या फिर इसको 4 से 90 गति से 4 घंटे लगते हैं, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 360 किलोमीटर आ जाएगा, 360 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में क्या कह रहा है, बी स्टार्ट्स 4 मिनट आफ्टर ए फ्रॉम द सेम पॉइंट फॉर अ प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 7 माइल्स फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ए ऑन रीचिंग द डेस्टिनेशन टर्न बैक एंड वॉक्स अ माइल वेयर ही मीट्स बी। ठीक है, इफ द स्पीड इन द इज अ माइल इन 8 मिनट एंड बी स्पीड इज अ माइल इन डैश मिनट। ठीक है, देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है मान लीजिए यहां से, और ये टोटल डिस्टेंस है मान लीजिए। ठीक है, तो बी जो है वो 4 मिनट बाद चलने लगा था ए से, तो ए ने ये 7 माइल है आपकी, सेवन माइल्स, तो यहां से ए चला
यहां पहुंचा और वापस भी आ गया, कितना माइल वापस आ गया, 1 माइल, तो 7 और 1। ए ने कितने माइल चले, 8 माइल चले, वहीं वो बी अब यहां से यहां तक पहुंचा है, यानी कितने माइल पे पहुंचा है, 6 माइल पे पहुंचा है, यानी ए ने 8 माइल चल दिए और बी कितने माइल चल पाया, 6 माइल, ठीक है। अब जो ए है आपके, ए की स्पीड बता रहा है वो आपको, ए की जो स्पीड है वो 1 माइल चलने की है कितने मिनट में, 8 मिनट में, ठीक है। तो 8 माइल वो कितने मिनट में चलेगा, 64 मिनट में, लेकिन तो इसका मतलब ए को ये सारा काम करने में 64 मिनट लगे होंगे, लेकिन जो बी है वो उसके 4 मिनट बाद शुरू हुआ था, तो बी ने 60 मिनट में ये 6 माइल चले होंगे आपके, ठीक है। तो 1 माइल चलने में कितने मिनट लगे होंगे, 10 मिनट लगे होंगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, 10 मिनट्स। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ द अमाउंट ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 ईयर्स एट 12% रेट ऑफ कंपाउंडेड एनुअली इज 12,000, वट विल बी द अमाउंट आफ्टर 4th ईयर, ठीक है। अमाउंट दे रखा है 12,000 रुपए, 3 साल में 12% की दर से, तो भाई आप डायरेक्ट जो आपका अमाउंट दे रखा है इसी के ऊपर 12% लगा देंगे, ठीक है। ये जो आएगा आपका 1440, इसी को आप 12,000 में ऐड कर देंगे, 0 4 4 3 1, और ये आंसर आ जाएगा आपका 13,440, सीधा आंसर आ जाएगा आपका डायरेक्ट। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप। देखिए अगले सवाल में क्या कह रहा है, द अमाउंट रिसीव्ड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स इज ₹1,19,790, वट वॉज द प्रिंसिपल, ठीक है। ये बताना था आपको 10% पे, तो भाई आप जानते हैं यार, देखिए 10% क्या होता है, 1/10, यानी 10 से 1 बढ़ गया 11 हो गया, इस तरीके से होता है, 10 से 1 बढ़ के 11 और 10 से 1 बढ़ के 11, आप इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1331, ये कितना आएगा आपका 1000। अब 1331 की वैल्यू है 119790, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, इसको नीचे चले जाएंगे इसके 1331 और गुणा में क्या कर देंगे 1000, ठीक है। आप इसको इससे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका 90 पे पूरा पूरा कट जाएगा और गुणा में 1000 कर देंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 90,000, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है इन हाउ मेनी मंथ्स विल ₹8,000 यील्ड्स ₹2,648 एज कंपाउंड इंटरेस्ट एट 10-20% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली बोल रहा है, ठीक है, हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है ना वो हाफ हो जाती है, 20% को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना परसेंट हो जाएगी, 10% हो जाएगी। टाइम जो है वो बाद में उसको, वो एक्चुअली जो निकल के आएगा वो डबल होगा, बाद में उसको हाफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि इतने रुपए का इंटरेस्ट लगेगा 8,000 रुपए पे, ठीक है। तो आप क्या करिए ना, टाइम निकालना है आपको, आप इसको ऐड कर दीजिए, 8,000 में 10,668 हो जाएगा, तो 10,000
648 बटे में 8000 बराबर 1 प्लस 1 बाय 10 10% रेज टू पावर टी, ठीक है? आप इसको सॉल्व करेंगे, आई थिंक 8 से कट जाएगा ये, एक 8 तिया 24, 8 तिया 24 और एक 1331 बटे में 1000 आ गया, 1331 बटे में 1000 आ गया, और ये कितना है, 11 बटे में 10 की पावर टी, ठीक है? तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, लेकिन ये जो टाइम होगा ना, ये 2 से गुणा किया हुआ होगा, ठीक है? तो आपको 3 साल को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1.5 ईयर आएगा। 1.5 ईयर का मतलब कितने महीने होता है, 18 महीने होता है, ये मंथ में दे रखा था आपका, तो 1.5 साल मतलब कितने महीने हो जाएंगे, 18 महीने हो जाएंगे आपके, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम फॉर द थर्ड ईयर इज ₹2000 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न इन द 2 ईयर्स इज ₹4160, ठीक है? देखिए कैसे होता है, प्रिंसिपल, इससे यहां पे जो इंटरेस्ट लगता है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका, हर साल सेम होता है। तो क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन द थर्ड ईयर, यहां पे 2000 है भाई, फिर यहां भी 2000 ही होगा और यहां भी 2000 ही होगा, क्योंकि साधारण ब्याज तो हर साल का सेम रहता है, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 4160, यानी यहां पे कितना होगा, 160, 2000 2000 4000, 4000 प्लस में 160 कितना हो जाएगा, ₹4160। तो ये ₹160 कितने पे लग रहे हैं, 2000 पे, ₹160 2000 पे लग रहे हैं, और गुणा में क्या कर देंगे, 100, 0 से 0 कट जाएगी, ये आ जाएगा आपका 8%। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, ये हमारा एंथम है, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जामिनेशंस। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा जरूर, ठीक है? कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और कोई भी कोर्स अगर आप खरीद रहे हैं तो उस पर मेरा कोड जरूर यूज करिएगा, राजपूत 10, समझ पा रहे हैं, कोड जरूर यूज करेंगे, राजपूत 10। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।